नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अल्पेश जोशी एक खास रेखा का टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूँ। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक फ़ीमेल हैंड है। अब आप लोग बोलेंगे कि फ़ीमेल हैंड है तो आपने इनका राइट हैंड क्यों चेक कर रहे हैं? तो सबसे पहले बता दूँ कि किसी भी इंसान या जातक या जातिका का उसका हमेशा एक्टिव हैंड यानी कि कर्म जिससे वो सबसे ज़्यादा काम करता है वही हैंड में चेक करता हूँ, क्योंकि सारे कर्म तो हमारे उसी हाथ से हो रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट को भी मैं कई बार देखता हूँ, डेफिनेटली मैरिज के लिए कई बार चीज़ें देखनी पड़ती है, पर अधिकतर मैं राइट हैंड जैसे जो एक्टिव हैंड होता है वही चेक करता हूँ। अब बात कर लूँ तो देखिए, सबसे पहले ये जो शेप है हथेली का, ये स्क्वायरिस है, तो ये लड़की मेहनती ज़रूर होगी 101%। किसी भी काम को अगर कोई इनको दे दे, कोई भी अपॉर्चुनिटी दे या कोई भी इन पर प्रोजेक्ट आए, तो ये लोग ऐसे लोग उसे 100% देने की अपनी पूरी पूरी कोशिश करते हैं और हार्ड वर्कर्स देखे गए हैं। ठीक है, और दूसरी थिंग ये कि अब मैं इनके भी कुछ क्वेश्चन है जैसे UPSC सिविल सर्विसेज का और जॉब मैरिज पैसा, यही जो इनके क्वेश्चन है मैं इनके यहाँ पर जवाब दूंगा, पर अपनी तरफ से भी कुछ यहाँ पर मैं चिन्ह ढूंढने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि हार्ड वर्क इनका नेचर रहेगा। दूसरी बात ये कि ये लड़की बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज रहेगी। रीज़न ये है क्योंकि बीच में भी अत्यधिक रेखाएँ और हाथ में थोड़ी हथेली में ज़्यादा रेखा होने के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके या अपने किसी भी प्रोजेक्ट को लेके कह सकते हैं लाइफ में कोई भी प्लानिंग करने में भी प्रॉब्लम कई बार आती है, यानी कि कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूँ, और कई बार ऐसे थॉट्स इतने चलते हैं कि ये कुछ चीज़ें याद भी कई बार नहीं रख पाते। ये चीज़ मैंने अधिकतर देखी है, पर अगर उसके लिए अगर गुरु कमज़ोर हुआ, चंद्र कमज़ोर हुआ तो ऐसी स्थिति आती है। पर यहाँ पर इनका गुरु पर्वत तो मेरे को नॉर्मल दिख रहा है, ना अच्छा ना बुरा, पर चंद्र थोड़ा पीड़ित हो रहा है जिसके कारण ये थिंकिंग ज़्यादा करेंगी, सोचेंगी ज़्यादा, और वैसे ही मस्तिष्क रहेगा इनकी थोड़ी बहुत पीड़ा में है यानी कि दोषित है। तो इस कारण व्यक्ति क्या ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, और उसी कारण कई बार डिप्रेशन का भी व्यक्ति कई बार शिकार हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग थिंक, आप देखिए दो थिंक होती है, या तो आप इंसान अच्छा पॉजिटिव सोच सकता है नेगेटिव, इनका ना मैं पॉजिटिव बोलूँगा ना मैं नेगेटिव बोलूँगा, पर ये है कि कई बार इनके दिमाग में इस तरह के भी विचार आएंगे जो कि नेगेटिव होंगे बिल्कुल, क्योंकि मस्तिष्क रहेगा दूषित है, थिंकिंग करेंगी सोचेंगी। पर यह है कि अगर ऐसे व्यक्ति किसी कला के क्षेत्र में जाएँ या कला के कार्य करें उसमें इनकी थिंकिंग सही मायने में अच्छी होती है। अब दूसरी रही बात यह कि मैं इनकी गुरु, पहले फिंगर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि गुरु की फर्स्ट फिंगर थोड़ी इनकी बैंड हो रही है जो कि शनि पर्वत की तरफ, तो ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, धार्मिक नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने में हमेशा आगे रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि धर्म वगैरह के कार्य इनके यहाँ होते रहते हैं, ये कह सकते हैं धार्मिक ये लड़की तो डेफिनेटली होनी चाहिए। पर सेकंड थिंग ये कि जब भी गुरु की उस तरफ तो ज्ञानी भी बहुत ऐसे लोग देखे गए हैं, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हमेशा करने वाले होते हैं, और बीच में पर कई बार गैप मेंटेन होता है तो थोड़ा बहुत खर्चीलापन को भी शो करता है। व्यक्ति कभी किसी के अंडर में रह के काम करना पसंद नहीं कर सकता, यानी कि ऐसे लोग किसी की सुन के काम करना कभी पसंद नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि धार्मिक कार्यों में भी ऐसे व्यक्ति पैसे खर्च करता है, जब गुरु के इसमें ये आपको गैप मेंटेन दिख रहा है तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों में भी कई बार खर्च करते हुए देखे गए हैं। शनि की उंगली लॉन्ग है जिसके कारण व्यक्ति गंभीर रहता है लाइफ को लेके, और बस शनि का प्रबंधन का वीक है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जिसके उपाय इनको बहुत ज़रूरी है, वरना बनते बनते काम इनके डेफिनेटली रुक जाएंगे। और जब भी शनि वीक होता है तो आप देखना कि व्यक्ति के एक मुसीबत कंप्लीट होगी लाइफ में तो दूसरी मुसीबत सामने अधिकतर मैंने देखी है खड़ी हुई। और जब भाग्य रेखा भी इनकी लक लाइन भी इतनी अच्छी नहीं कहूँगा क्योंकि ब्रेक होकर चल रही है, यानी कि जो इनका लक है फ्लक्चुएटिंग रहेगा, यानी कि कभी तो बहुत अच्छा साथ भी दे, पर यह है कि इनके लक में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है मेरे को भाग्य के अनुसार, अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपको। पर अगर हम बात कर रहे हैं इनके सिविल सर्विसेज की, तो आपका सूर्य देखना पड़ता है, तो सूर्य आप सूर्य पे एक से ज़्यादा रेखा है, यानी दो रेखा को मैं इतना बेकार भी नहीं मानता, पर आप कंफ्यूज ज़्यादा रहती है तो उस चीज़ को पहले सोचना बंद करें ज़्यादा। और दूसरी चीज़ सूर्य की उंगली लॉन्ग है कि फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में इंडेक्स फिंगर के, जिसके कारण इनके अंदर रिस्क टेकिंग क्वालिटी देखने को मिलेंगी, ये कह सकते हैं ये किसी भी काम को, अगर मैंने बताया कि जैसे प्रोजेक्ट मिला है कोई भी काम इनके ऊपर सौंप दिया गया तो बहुत उसमें 100% उसका देंगे और निभा के और उसको कंप्लीट भी करके दिखाएंगी, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। सूर्य की जिसकी उंगली लॉन्ग होती है, ये लोग हमेशा रॉयल वाली लाइफ जीना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग क्वालिटी इनके अंदर देखी गई है, और गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनता है। पर यहाँ पर मैं आपको और कुछ भी चीज़ें बताना चाहूँगा कि इनको मेहनत अत्यधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ में एक से ज़्यादा अत्यधिक रेखा, ऊपर से कि सूर्य पे एक से ज़्यादा रेखा होना और मस्तिष्क रेखा का पीड़ा होना, ये 100% शो कर रहा है कि ये ज़्यादा ही कन्फ्यूज रहती हैं। राहु रेखा का भी इनके हाथ में ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, जिसके कारण बनते बनते काम व्यक्तियों के रुकते हैं, अड़चने प्रॉब्लम आती है। शनि वीक हो जाता है तो व्यक्ति गंभीर तो हो ही जाता है डेफिनेटली, पर
मुसीबत सामने दूसरी खड़ी हुई ऐसे लोगों को मेरे को दिखती है, और कई बार तो काम बन ही नहीं पाते और कुछ ना कुछ काम हमेशा बिगड़ते रहते हैं, डिले होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो उसके उपाय करना इनको ज़रूरी है। और जो आपने पूछा कि कब मेरे योग हैं, तो 23-24 के अप्रोक्सीमेटली जाके आपके एक जॉब का अच्छा कोई ना कोई अच्छे योग बनेंगे जिसमें आप अच्छा कर सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि रिंग जैसी आकृति बनती है तो अच्छा मनी को भी शो करेगी कि लाइफ में ऐसा व्यक्ति अच्छा मनी कमा सकता है या धार्मिक तो आप डेफिनेटली रहेंगी। और गुरु को थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है जिसके कारण पारिवारिक जीवन में या कह सकते हैं वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में देखने को मिलती है। और मंगल इनका देखें तो मंगल तो नॉर्मल है, पर मंगल दोषित मेरे को यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा रेखाएँ इस पर होना और उधर से रेखाएँ निकलना या कहीं ना कहीं एग्रेसिव नेचर को कहीं ना कहीं जब भी मंगल मतलब कमज़ोर होता है हाथ में भी हथेली में तो भाइयों के सुखों में कहीं ना कहीं कमी दिखाता है। तो डेफिनेटली उन चीज़ों में भी कमी पड़ जाएगी। मंगल यहाँ पर मैं नॉर्मल कहूँगा क्योंकि इतनी भी ज़्यादा बेकार तो नहीं कहूँगा, पर डेफिनेटली थोड़ा मंगल आपका दूषित लग रहा है जिसके कारण थोड़ा भाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको लाइफ में देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य होने में भी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। शुक्र पे इतनी ज़्यादा रेखाएँ ये तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष को शो कराती हैं, पर यह है कि आपको शुक्र यहाँ पर मेरे को अच्छा दिख रहा है जिसके कारण आप कह सकता हूँ कि आप लग्जरियस लाइफ या कहीं ना कहीं आपके अंदर आर्ट्स वाली क्वालिटी देखने को मिलेगी, कला आपके अंदर देखने को मिलेगी। जन्मभूमि से भारी आपका भाग्योदय लिखा है क्योंकि चंद्र के यहाँ से भी रेखा जब निकलती है तो जन्मभूमि से दूर जाके व्यक्ति का भाग्योदय देखा गया। फीमेल सपोर्ट यानी मदर सपोर्ट या किसी न किसी मतलब बहन भाई फीमेल यानी कि सॉरी मैंने आपको भाई बोल दिया मतलब फीमेल आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपकी दादी हो सकती है, आपकी मदर कोई भी, पर फीमेल सपोर्ट मेरे को यहाँ कहीं ना कहीं दिखता है कि मतलब सपोर्ट हमेशा रहेगा। विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे पर वो थोड़ा लेटर एज है, अभी तो इस चीज़ को आप छोड़िए। अभी आपको पूरा अपना जैसा आपने पूछा कि सिविल सर्विस तो आपके बिल्कुल योग है, पर आपको कुछ उपाय डेफिनेटली करने पड़ेंगे मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। और छोटी उंगली की लेंथ से देखें तो अच्छी सूर्य के फर्स्ट पोर तक तो पूरी नहीं जा पा रही बट डेफिनेटली हल्की सी छोटी रह जा रही है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी को देखने को मिलती है। अगर ये किसी से भी इनके कह सकते हैं कि अगर ये कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, और इनके अंदर सबसे पहले बता दूं जिसकी लिटिल फिंगर थोड़ी लॉन्ग होती है इनके अंदर प्लानिंग करने की क्षमता अच्छी होती है, पर प्लानिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एक कन्फ्यूज माइंड रहेगा इसलिए। दूसरी चीज़ ये कि ये लोग कम्युनिकेशन स्किल इनके अंदर अच्छा देखने को मिलता है, पर कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल कर रखना डॉक्यूमेंटेशन ये चीज़ें भी इनके अंदर देखने को मेरे को मिलेगी बिल्कुल। और आपके ये जो रेखाएँ हैं यानी कि बुध पे एक से अत्यधिक चार रेखाएँ, ये कहीं ना कहीं डबल माइंड को शो करती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी तो रहेगी, उसके साथ साथ ये व्यक्ति अब काम निकलवाने में भी माहिर होते हैं और कहीं ना कहीं काम बना भी लेते हैं, अपने अपने वाणी से प्रभावित कर लेते हैं। वो किस तरह से प्रभावित करोगी आप अपने पर्सनैलिटी के थ्रू लोगों को या अपनी वाणी के थ्रू अपने काम के थ्रू, पर कहीं ना कहीं ये लोगों को आकर्षित करते वाले व्यक्ति दिखते हैं जब भी बुध पे एक से ज़्यादा चार पाँच रेखाएँ होती हैं। मैंने आपको आपका जवाब तो दे ही दिया मेन। और मनी की बात करें तो मनी तो आप पे अच्छा रहेगा, पर खर्चेरापन आपकी लाइफ में कम से कम बहुत ज़्यादा मेरे को देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल नेचर की आप रहेंगी पर सोचेंगी बहुत ज़्यादा, और बाकी आपकी लाइफ में थोड़ी डिसबैलेंस रहेगी, पर यह कि उसके उपाय डेफिनेटली हैं। पर यह कि मनी की कहीं से आपको कमी तो नहीं आएगी लाइफ में आगे जाके, क्योंकि यहाँ पर मेरे को योग अच्छे और मनी ट्राइंगल जैसा भी आपका एक बनना है, पर वो थोड़ा राहु रेखा का प्रभाव जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दिखाएगा मनी की तरफ से भी, पर आप पे तब भी पैसा वैसा ठीक अच्छा रहेगा। तो जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए तो हम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो।